मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या शेयर पे ज़कात होती है, और अगर नुकसान हो रहा हो तो इसके लिए इसके ऊपर भी ज़कात होती है? बराए मेहरबानी सही तरह हमें बताएं। शेयर्स जो है वो अव्वल तो ये है कि शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट और उसका जो पूरा सिस्टम है वो नाजायज़ है, उसकी शरण इजाज़त नहीं है। फिर बाज़ शेयर्स तो वो हैं जिनके अंदर सिर्फ प्रॉफिट की बुनियाद पर होते हैं, लॉस नहीं होता, वहाँ पर तो आपकी रकम कर्ज़ की हैसियत रखती है। तो जितना आपने अपना पैसा जमा कराया है सिर्फ वो आपका है, उस पर ज़कात लाजिम होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सूद है, उसको सारा का सारा शरई फ़कीर को सवाब की नियत के बग़ैर सदका करना लाजिम है, और फौरी तौर पर इससे छुटकारा हासिल करना भी ज़रूरी है। दूसरे बाज़ वो शेयर्स होते हैं जो कि नफ़ा और नुकसान दोनों की बुनियाद पर होते हैं, उनमें बाज़ सूरतों के अंदर अगरचे नाजायज़ वो भी हैं लेकिन शिरकत इनान की बाज़ सूरतें बन सकती हैं, तो उसमें ज़कात की तफसील हो सकती है कि कितनी ज़कात किस तौर पर लाजिम होगी। तो इनकी जो सूरत है उससे मुतालिक जो है वो तफसीली मुकम्मल डिटेल लेकर दारुल इफ्ता में राबता करें।